देर रात अखिलेश यादव ने कर दिया बीजेपी के साथ खेला। कत्ल की रात ही बीजेपी के ऊपर गिरी एक बड़ी बिजली। अखिलेश यादव ने चौथे चरण के मतदान से पहले ही जीत ली बाजी। एक तरफ बीजेपी सांसद अमित शाह के साथ करती रही रोड शो और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद का बेटा सपा के दरबार में पहुंचा। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और पांचवें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन चौथे चरण के मतदान के एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने चुनावी बाजी को अपने नाम कर लिया और बीजेपी के सामने एक मजबूत बढ़त बना ली, जिसकी कभी बीजेपी को उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा खेल इस बार अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ कर दिया है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ बीजेपी की कद्दावर सांसद अमित शाह के साथ में रोड शो करती रही तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के दरबार में मतदान की रात में बीजेपी सांसद के बेटे हाजिरी लगाने पहुंच गए। इसके बाद तो अखिलेश यादव अचानक से ट्रेंडिंग करने लगे और अचानक से बीजेपी आलाकमान के माथे पर पसीना और चिंता की लकीरें दिखने लगी कि आखिर ये हो कैसे गया और हो क्या गया। दरअसल प्रयागराज से बीजेपी सांसद और लखनऊ कैंट से बीजेपी की पूर्व विधायक रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज में जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ में रोड शो कर रही थी, उसी वक्त बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे अखिलेश यादव से फूलों का बुके लेकर मुलाकात करने पहुंच गए थे। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी के साथ तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बीजेपी खेमे में खलबली देखने को मिली। ये वही रीता बहुगुणा जोशी हैं जो अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही थीं और अपनी सांसदी को भी छोड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन बीजेपी ने उनकी एक फरियाद न सुनी और टिकट किसी और को दे दिया। उधर गजब बात यह है कि लखनऊ कैंट में मतदान से पहले ही अखिलेश यादव ने बढ़त बना ली है। जो बीजेपी अपना यादव को साथ लाकर उतरा रही थी, लेकिन मयंक जोशी ने सारा जोश ठंडा कर दिया। लखनऊ कैंट सीट ऐसी है जहां पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक है और पहाड़ी वोटर भी बड़ी संख्या में है। ऐसे में बीजेपी को लगता था कि अपना के सहारे वो सपा को टक्कर दे पाएगी, लेकिन अब मयंक जोशी और अखिलेश यादव की मुलाकात ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जिस बढ़त का सपना देख रही थी उसे तो मयंक जोशी ने मट्ठे में डाल दिया और अब बीजेपी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और खुद अपर्णा यादव जो सपा के खिलाफ आग उगल रही थी उनका जुबानी बारूद भी राख बनकर अब हवा में उड़ रहा है। मयंक जोशी और अखिलेश यादव की मुलाकात को सपा में एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है और सपाइयों का दावा है कि पंडितों की नाराजगी बीजेपी से पहले से ही थी और मयंक जोशी का सपा से मिलना बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। साथ ही सपाइयों का दावा है कि इस मुलाकात का असर गोरखपुर सदर तक देखने को मिलेगा और 10 मार्च को बीजेपी मुंह छुपाती फिरेगी। सपाइयों का कहना है कि बीजेपी जितनी चालबाजी करती थी वो सारी की सारी अब उसी के ऊपर उल्टी पड़ रही हैं और सपा हर चरण में बढ़त बनाते हुए आगे निकल रही है। अखिलेश यादव और मयंक जोशी की मुलाकात की चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं और बीजेपी आलाकमान को अब जवाब देते नहीं बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।